वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली और वे कितना पढ़े हुए थे। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 20 अक्टूबर 1459 ईस्वी तलवंडी राय पोही जिला शेखपुरा पाकिस्तान में हुआ। उस भाग्यशाली नगर तलवंडी का नाम गुरु जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया। गुरु नानक देव जी बचपन से ही एक अनोखे बालक थे। उनकी खेलें एवं खिलौने भी सामान्य बच्चों से अलग थे। वे बहुत छोटी आयु में ही परमार्थ की बातें करने लगे थे। जो भी व्यक्ति परमात्मा के बारे, मानव जीवन के बारे अथवा मानव के जन्म मृत्यु के बारे में बातें करता, वे उन्हें बहुत अच्छा लगता। साधु महात्मा भी उन्हें बहुत प्रिय लगते। ऐसे लोगों की सेवा करना वह बहुत उत्तम समझते थे। उनकी भोजन पानी की सेवा करते थे। हालांकि गुरु नानक देव जी ने किसी भी पारंपरिक स्कूल या कॉलेज में औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। जब बाल गुरु 6 वर्ष के हुए तो उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें गांव के पांधे गोपाल दास के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। पंडित गोपाल दास पंजाबी, हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान थे। गुरु जी बड़े चाव एवं खुशी से पढ़ते थे और कुछ समय में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो भी पांधे दास को आता था। पंडित अपने शिष्य की अद्भुत योग्यता देखकर बहुत हैरान थे। वह कहते, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि इतनी छोटी आयु में बालक इतना होशियार और लियाकत वाला हो सकता है। जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ यह सब कुछ तुरंत सीख लेता है, जैसे कि पहले से ही जानता हो। मैं तो काफी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, परंतु ऐसा शिष्य तो मुझे कभी भी नहीं मिला। एक दिन पांधे दास ने देखा कि गुरुजी अपनी पट्टी पर कुछ लिख रहे थे। जब काफी समय तक वह पांधे के पास ना आए, पांधे जी स्वयं उठकर उनके पास गए और पट्टी दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने पट्टी उन्हें सौंप दी। पांधे जी पट्टी देखकर हैरान हो गए। उस पट्टी पर बारीक कलम से छंदबद्ध बहुत कुछ लिखा हुआ था। पांधे दास पढ़ते पढ़ते मंत्रमुग्ध हो गए। सारी पट्टी पर सिहरफी की तरह पंजाबी के 35 अक्षरों अनुसार 35 अक्षरी लिखी हुई थी। जब गुरुजी ने पंजाबी, हिंदी एवं संस्कृत की पढ़ाई खत्म कर ली तो उन्हें मौलवी के पास फारसी की पढ़ाई हेतु दाखिला करवाया गया। उस काल में इस्लामी हुकूमत होने के कारण दफ्तर एवं पत्र व्यवहार की भाषा फारसी थी, इसलिए फारसी भाषा को व्यावसायिक अर्थों में पढ़ा लिखा समझा जाता था। गुरु नानक देव जी की फारसी की पढ़ाई करने में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने फारसी भी शीघ्र ही सीख ली। कुछ ही समय में बाल गुरु अपने सभी साथियों से आगे निकल गए। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में ज्ञान और अध्ययन को बहुत महत्व दिया और उनकी शिक्षा का मूल आधार उनके धार्मिक अनुभव, सामाजिक दृष्टि एवं व्यक्तिगत अनुभव पर था। उनका संदेश आध्यात्मिक तत्वों, समरसता और प्रेम के विचारों पर आधारित था, जो उनके सहायक और शिष्य भाई मर्दाना के साथ किए गए यात्राओं और सत्संगों के माध्यम से व्यक्त हुआ। इस प्रकार गुरु नानक देव जी की शिक्षा का मूल आधार उनके आध्यात्मिक अनुभव, धार्मिक ज्ञान और सामाजिक जागृति पर था, जिसे उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्त किया। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में कई शब्द लिखे जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हो गए। उनके लिखे हुए शब्दों का समावेश गुरु ग्रंथ साहिब में बाणी के रूप में होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5894 शब्द हैं। इनमें से 974 शब्द गुरु नानक देव जी के हैं। गुरु नानक देव जी के लिखे हुए शब्द समाज को धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों को समझाने में मदद करते हैं। गुरु जी के जीवन काल से जुड़ी हुई अन्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।